ये सुनाइए जी, लंबी क्या होगी? भाई अभियानव साहब मरहूम ने जी और मैंने जी गवर्नर हाउस कराची में बैठकर फेस्ट बनाई, फेस्ट बनाई इसकी, ये मर्जी से बोला कि ये अराकिन होने चाहिए, वो बन गई, फाइनल हो गया। शुगर का ख्याल भी मैंने दिया था उनको, ये मेरी बात सुनते थे इस मामले में। लेकिन जब शुगर बनी तो वो डिप्टी कमिश्नर ने नाम दे दिए और उन्होंने मंजूर कर लिया उसको। और मैंने कहा जनाब मोहतरम, सात आदमी तो वो हैं इसमें जिनको आपने अब्दो किया है, निकाला है आपने, ये कैसी वजह शुरा है, मैं तो नहीं जाऊंगा इसमें। तो ये बड़ा डिसरवा गया शुरा का। लेकिन मेरे शुरा पर अलहमदुल्ला ऐसी ऐसी कैसे कोई नाम नहीं, नहीं भी आए वहां पर। ये आप नौनिहाल की करते हैं बच्चों के आप प्रोग्राम, हर हर महीने हर हफ्ते होता है आपकी जो शाम जो नहीं, बच्चों महीने हर महीने चार पांच शहरों में, अच्छा क्वेटा में, पेशावर। इसका पर्पस क्या, क्योंकि आप बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत और उनका आप समय, यही फ्यूचर है हमारा, बच्चों तो मेरी जान है। ठीक है, अच्छा बच्चों से मोहब्बत करता हूँ और टूर से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं सुन्नत नबी अदा करता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। एक दफा मस्जिद नबी ज्यादा तशरीफ ले आए थे गलियों में से, तो बच्चों ने घेर लिया, तो बच्चों को बड़ा प्यार किया, किसी को थपका, किसी को प्यार किया। एक साहबी ने आके कहा आगे कि इसमें तो गैर मुस्लिम है वो सारे, तो जवाब था क्या ये बच्चे नहीं है, ये अजमत थी फिक्र की, कोई भी बच्चा तो है, बच्चे बच्चे तो मैं तो सुन्नत नबी अदा करता हूँ बच्चों से मोहब्बत करके। वैसे भी मुझे बच्चों से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, कल का पाकिस्तान है। अगर आज के बच्चों को आपने तरबियत दे दी, तरबियत मैं तालीम नहीं कर रहा हूँ, तरबियत, तो ये बच्चे फिर नौजवान अच्छे होंगे पाकिस्तान के, और फिर बागडोर संभालेंगे इस मुल्क की। इसलिए मैं इन पर तवज्जो कर रहा हूँ कि ये ऐसी तरबियत पा जाए कि अब बजने अगर आप आए बच्चों की, बच्चों को गुजरना हो तो आपके सामने चली जाएगा, वो पीछे जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पक के एक मिनट लेट हो जाए, ये तरबियत का असर हुआ है। ठीक है, हमारे निजाम तालीम में 48 साल में कितने कमीशन बने हैं, कितने रिपोर्ट तैयार हुई, कितने पॉलिसी तैयार हुई हैं, किसी एक में तरबियत का जिक्र नहीं है। और तालीम तरबियत के बगैर तालीम ही नहीं है। तो हमारी फिक्र का जवाल ये है कि हम तरबियत को कोई अहमियत नहीं देते तालीम के मामले में। ये जो आपने किया है मदीनतुल हिकमत, ये बड़ा पुराना, बड़ी देर से आप इस पर काम कर रहे हैं, आइडिया है क्या इसकी? मैंने फिल्म भी देखी है वैसे, लेकिन आपकी जबानी में सुनना चाहता हूं। तालीम के मैदान में एक हकीकी कोशिश है, और ख्याल उस वक्त आया जब शाह फैसल ने मक्के शरीफ में पहली इस्लामी तालीम लाई थी, मैं भी गया था उसमें, तो तमाम दिन मैं काम करता था और रात को मैं करता था काबे में। तो वहां मकाम इब्राहिम पर जब सुन्नत पढ़ के बैठा मैं, तो मैंने कहा मैं क्यों पैदा हुआ था, क्या कर रहा हूं, ये सवाल मैंने किया, क्या किया मैंने क्या दिया पाकिस्तान को, तो अच्छा जवाब मिला मेरा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा को मुझे रास्ता दिखा दिया अल्लाह ने, यहाँ बैठा हूँ सब आपके सामने। तो ख्याल आया कि एक तालीम का शहर बसाना चाहिए, तालीम का शहर बसाना चाहिए, ये ख्याल आया। मैं वैसे तो ये उसूल है कि बड़ा आदमी वही बड़ा काम वही कर सकता है जो छोटा काम करने की साहित रखता हो, लेकिन मेरे मिजाज बड़ा काम करने का है। मैंने बड़ी बात सोची और फिर मैंने तवाफ करना शुरू किया और दुआ मांगी कि भाई अब ये ख्याल आ गया है तो उसको अल्लाह पूरा कर दे। फिर मैं सही में गया तो वहाँ गैर मामूली तौर पर एक शोला हुआ है पत्ती में से, मैंने कहा यह तायद हो गई। इसका मैंने रिश्ता मिलाया उस वाक़े से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ खंदक खोद रहे थे, तो पत्थर से जब टकराई वो कुराल तो स्पार्क निकला, मैंने उस शोले को उससे मिला दिया कि ये मंजूर हो गए तो बस मैंने कहा अब करना है काम, टैग कुछ हो जाए लिहाजा काम शुरू कर दिया।
और जमीन ली जाकर सहरा में मैंने बलूचिस्तान के बॉर्डर पर सहरा में जमीन ली जहां पानी सड़क कुछ नहीं था। ठीक। तो मैं शकुर अजहर तशरीफ लाए, मेरे ताल्लुकात थे उनसे, मैं कहा चले जा दुआ करेंगे। मैं ले गया उनको कच्चे कच्चे रास्तों से, दुआ तो बोल दिया उन्हें, कहने हकीम भाई यू कम हियर इन डेजर्ट। मैं कहा इस्लाम सहरा से शुरू हुआ था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह ताला इसको आबाद कर देगा। आबाद हो गया, तैयार हो गया, शुरू हो गया वहां काम। अब 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2000 बच्चे वहां। आपने कुछ यतीमों के लिए भी वहां कुछ किया हुआ है? और ये हमारे कहा कि कोई एक आपको पता नहीं लगेगा कि यतीम खाना भी है, लेकिन फर्क नजर नहीं आएगा कौन यहाँ यतीम है। अच्छा है, यतीम खाना बन गया है हमारा। अच्छा, बल्कि बल्कि हमारे दोस्त ने इसको फाइनेंस किया है और वो इसको इंतजाम करते हैं। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है ये, यतीम खाना चलाना आसान नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी खराब शोहरत है इसकी। तो उन्होंने खैर एक कमरे बना लिए मेरे मशवरे से। अच्छा, और अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं। ये 2000 बच्चों का है। अल्टीमेटली अकोमोडेट 2000। एंड आई बिलीव यू हैव अ वेरी बिग लाइब्रेरी जी, शौक है आपको लाइब्रेरी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। और मुझे उस पर बड़ा इत्मीनान है कि मैंने पाकिस्तान को एक ऐसी चीज दे दी है कि यहाँ के अहले इल्म इसे फरामोश नहीं करेंगे, कर नहीं सकेंगे। हमारे कोई 3 लाख इस्लामी मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, वो किधर बिखरे पड़े हैं और किसी को कुछ फिक्र नहीं है? 3 मिलियन। 3 मिलियन? 30 लाख? 30 लाख मैनुस्क्रिप्ट इस्लामी हमारे 9वीं सदी से और 14वीं सदी का जो पीरियड हमारा है, जिसे यूरोप डार्क पीरियड कहता है, अपने लिए, अपने लिए, वो हमारे लिए रोशन तरीन दौर है। ठीक। अच्छा, और उसमें ये लिखे गए और पढ़े में स्कैटर्ड दुनिया के मंत्री पढ़े हैं दुनिया के लाइब्रेरी में, और कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई ये समझने के लिए कि है क्या, जो कुछ देख लिए गए हैं वो माहिर रुकू है। मसलन इब्न हसम फादर ऑप्टिक्स बाबा बसरियात कहीं जिक्र नहीं आता बेचारे का, और उसने पहले बताया हम देखते कैसे हैं और कैमरा उसकी वजह से जाता, उसी किताब गायब है, किताब मनाजिर जो लिखी उसने इस मौजू पर वो किताब नहीं मिल रही, जाया हो गई। एक बतानी साइंसदान हैं, उन्होंने एक किताब छापी बसरियात पर, दुनिया मशहूर हो गई। मैंने वो किताब मनाजिर एस्कोरियल और कायर से अरबी के दफ्तर से पाली, मैंने ढूंढ लिया मैंने उसको, और एक मिल गया मुझे सलेमानिया में टर्की में। अब देखा तो उन साहब की किताब जो बताने वाले हैं तर्जमा कर दे। अब मैंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि बसरिया तो कोई किताब लिख जाए दुनिया में किसी कोने पर, इन हिस्सों का हवाला जरूर आएगा उसके। तो ये पाकिस्तान की खिदमत है जो करनी चाहिए हमें सबके लिए। ठीक। अब ये चंद नाम राजी इब्न सीना वगैरह तो ध्यान पे आते हैं, लेकिन छुपे होंगे जो पंच विकेटर। मेरे जहन में अभी वो सहरा वाली बात घूम रही थी, ये जो मदीनत हिकमत है इसको पानी कहां से मिलता है? पहले सहरा में तो ये सब नहीं है, आपने वहां से चश्मा भी निकाल लिया है, यहां तक तो नहीं हम मानेंगे। हाँ नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन हमें फरिश्तों की वो मदद शामिल है हमारे। अच्छा, इसलिए वो बगैर खुद बनी नहीं सकता, हमारे पास पैसे नहीं थे, पता कैसे बन गया, मना लिया अल्लाह मियां ने। तो मेरा मेरा मोटो है अल्लाह मालिक। और कोई हुकूमत किसी दौर में पानी नहीं दे सके मुझे। आपने पाइपलाइन बिछाई थी वहां? पाइपलाइन डाल दी, वहां तक हब रिवर तक डाल दिए, हमारे सिर्फ जोड़ना था। तो मोहतरमा वज़ीर आज़म तशरीफ ले गई हमारे यहाँ बच्चों को देखने के लिए, बच्चों से उनको दिलचस्पी है और बच्चे उनका सपोर्ट करते हैं, मैं तो बहुत पिछड़ा रहता हूँ। अच्छा, तो बच्चे ने किसी ने कह दिया अब तो पानी भी नहीं पीने के लिए, उनको पिछले साल की बात याद आ गई कि उन्होंने वादा किया था पानी का। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, आज 3 दिन में पानी आ जाना चाहिए। 3 दिन में पानी आ गया, वो जॉइंट लग गया, अब हम बागोबार हो जाएंगे कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह। बहुत पानी। ये जो आपका एरिया है जहाँ वहाँ, ये मैं देख रहा था कि एक आपकी है हमदर्द यूनिवर्सिटी,
ये भी वही है? वही है। एक आपका है हमदर्द पब्लिक स्कूल, वो भी वही है? वो भी वही है। और शहर, ये तो शहर इल्म है जिसमें कई किस्म की तालीम, शहर साइंस, शहर सकाफत, तीन चीजों का ये है असल में मंसूबा कि हम यहाँ इसको डेवलप करेंगे हर लिहाज से। और अब आप कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी के भी पहली एप्लीकेशंस आ गई हैं, सीटें हो गई हैं, पिछले साल आ गई थी, आ गई थी, दूसरा साल, दूसरे साल। और सीटें कितनी आपके पास? 50 लगते हैं हम कायदे में, 50। हाँ, वरना बेकाया तो आप भली तब पहले कमाने के लिए, ठीक है। हम तो जो कायदा है, जैसे हमारे स्कूल में एक जमाने 25,000 बच्चे नहीं, अच्छा, और एक टीचर 7 बच्चों पर है इस वक्त, तो ये मेरा तालीम का है, ठीक है। और दरखास्तें कितनी आई हैं इस साल 50 सीटों के लिए मेडिकल की? 1363 ने टेस्ट का इम्तिहान दिया है। अच्छा, वकील साहब सिफारिश मान लेते हैं? तोबा तोबा नहीं, वो सिफारिश होती तो होगी ना, ये तो नहीं, बहुत होती है, टेलीफोन, खत, प्रेशर, प्रेशर, पुराने एहसानात, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं, लेकिन मैं हक नहीं मानता, तालीम जो हक है वो ले लेता।